काफ़ी लंबे समय बाद पवन सिंह विदाउट मूछे यानी कि विदाउट मुस्टैक नज़र आएंगे। जी हाँ, अभय सिन्हा की जो फिल्म बन रही है बहुत ही महंगे बजट की ये फिल्म है। बताया जा रहा है कि इसमें पवन सिंह के अलग अवतार होंगे, मूछों वाले जो अवतार होंगे उनकी शूटिंग हो चुकी है, लेकिन विदाउट मूछों वाले यानी कि बिना मूछों के जो सीन होंगे वो फिल्माए जा रहे हैं। ये पवन सिंह की तीसरी फिल्म होंगी। पवन सिंह के इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है, काफ़ी हद तक सीन शूट किए जा चुके हैं। और आपको बता दें, इस फिल्म में पवन सिंह का इतना गजब का लुक है कि जो भी देख रहा है वो दीवाना हो जा रहा है। आपने अभी देखा होगा कि पिछले दिनों पवन सिंह सिर शासन की मुद्रा में कुछ वर्कआउट कर रहे थे, जहां उनका पैर ऊपर और सिर नीचे था, और ऐसे में वो वर्कआउट कर रहे थे और उस वर्कआउट को लोगों ने बहुत पसंद किया। और ख़ुद पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी में ये पोस्ट किया कि उनका ये फेवरेट वर्कआउट है। साथ ही इन दिनों लंदन में उनका ज़्यादातर टाइम जिम में ही जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की फिल्म वो कर रहे हैं उसके लिए उन्हें काफ़ी टोन्ड बॉडी चाहिए, जिसके लिए वर्कआउट की जा रही है। और जैसे ही पवन सिंह वर्कआउट करते हैं तुरंत शूट शुरू करते हैं ताकि उनकी बॉडी वेल टोन्ड लगे। साथ ही साथ पवन सिंह अपने हर एक लुक के बारे में पहले खुद संतुष्ट होते हैं कि वो अच्छे लग रहे हैं या नहीं, फिर ही वो लुक अपने ऊपर धारण करते हैं। और वो तब तक वहाँ सेट पर मौजूद सभी से पूछते हैं कि वो अच्छे लग रहे हैं या नहीं, वो अच्छे लग रहे हैं या नहीं। इस बारे में वो इवन कैमरामैन से लेकर एक स्पोर्ट बॉय तक सभी से पूछते हैं कि क्या उनका ये लुक जच रहा है। तक सबकी हामी नहीं मिल जाती तब तक पवन सिंह नया लुक ट्राई नहीं करते। इसी तरह वो अपने फिल्मों में भी, इसी तरह अपने शॉट में भी, जब तक पवन सिंह खुद संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक वो शॉट कंप्लीट नहीं करते, पूरा नहीं करते। खैर, ये तो उनके खासियत हो गई उनके किरदार के बारे में, लेकिन हम आपको बता दें कि पवन सिंह निजी जीवन में भी काफ़ी कुछ इसी कदर है। अपने आप को वो जब तक सेटिस्फाइड नहीं कर लेते, पवन सिंह अपने पर्सनल लाइफ में भी कुछ इसी कदर है। जब तक वो किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं हो जाते उसके लिए वो हामी नहीं भरते। खैर, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।